हाँ भानु प्रताप जी, क्या प्रोग्राम था आज? प्रोग्राम आज यहाँ पे था, डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज में एक प्रोग्राम था जिसमें दो विषय थे। एक विषय था कि निजीकरण से एससी एसटी ओबीसी को कितना बड़ा नुकसान होगा, क्या नुकसान होगा उस पर मुझे बोलना था। मैं उस पर बोला और उसके बाद में आपका एक टॉपिक था जी कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इसको कैसे नेशनल पार्टी बनाया जाए। हाँ। उसके विषय में आपने बहुत गंभीरता से सारा सब कुछ बताया और प्रोग्राम खत्म करने के बाद हम सब लोग पुण्यभूमि को, दीक्षा भूमि को यहाँ नमन करने आए हैं और अब आप वीडियो बना रहे हैं, ये सब चल रहा है। हाँ, मेरा काम आर्काइव भी बनाना है। नागरालय साहब इधर आइए, क्या प्रोग्राम था? नागरालय साहब ही आयोजक है, आयोजक है, संचालन करता है, माइक इन्होंने ही संभाल रखा था। बाबा साहब की पार्टी हमेशा के लिए राष्ट्रीय पार्टी बनी रहे, ये मेरा थीम है और मैंने सोचा है कि कोई आज तक के लाल नहीं मिला है, अभी हमको लाल मिले हैं। अच्छा। और हम बनाएंगे जरूर। योजना क्या है? योजना तो थोड़ी सी बताए मैंने झलक, अभी जब 12 बजे तक तो आपके साथ में हूँ। हाँ। पूरी योजना बना देंगे। नहीं, आपको पहले फ्री कर देंगे हम। पहले अभी मैं दीक्षा भूमि में हूँ, ऐतिहासिक पावन धरती पे। मेरे साथ भानु प्रताप जी हैं, डॉक्टर नागराले साहब हैं और कई साथी हैं। जरा इस जगह के बारे में बताइए और दोस्तों को, बहुत लोग देखेंगे अम्बेडकर नामा पे। ये परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में जब दीक्षा मनाई थी, दीक्षा यहीं पर हुई थी। ये दीक्षा स्तूप यहीं बनाया गया है, गवई साहब के कार्यकाल में इसका आया है। गवई साहब और सदानंद फुलझेली, ये दोनों की वजह से दीक्षा भूमि का स्तंभ यहाँ पर दिख रहा है आप सब। चलिए, तो ऐतिहासिक पावन दीक्षा भूमि में अंबेडकर नामा के लिए मैं रतनलाल आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अभी थोड़ी देखता हूँ और अगर अवसर मिलेगा तो कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकर नामा। पकड़ करो, ठीक है ना? आप करेंगे सर मेरे लिए भी थोड़ी सी मैंने जी वीडियो बनाए? जरूर जरूर सर। इस जगह के बारे में बताइए, इसके बारे में जहाँ
14 अक्टूबर 1956 को यह दीक्षा दी गई बाबा साहब की, बाबा साहब ने दीक्षा दी है और 5 करोड़ लोगों को दीक्षा दी है। और वो दिन सब बुद्धिस्ट के लिए अच्छा दिन। आप देख रहे हैं ये दीक्षा भूमि है, सीधा अंदर से जहाँ पे जो सबसे कोर अंदर का एरिया है। अंबेडकर नामा के लिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, शुक्रिया। अंबेडकर नामा देखते रहिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एकदम अंदर सब लोग आ नहीं सकते हैं, लेकिन आयोजक का शुक्रिया। और दीक्षा भूमि के आंतरिक कक्ष से आपको अंबेडकर नामा के लिए में, हाँ बताइए। ये जो आप देख रहे हैं ये बाबा साहब की अस्थियां रखी हुई यहाँ पर। ये ऐतिहासिक स्थल है, बाबा साहब ने दीक्षा ली थी और यहाँ पे बाबा साहब की अस्थियां यहाँ पे रखी हुई हैं। मेरे साथ कई साथी हैं, बताइए थोड़ा सा, आप तो यहाँ के लोकल हैं। यहाँ पे सर 1956 में, 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब ने जो युग परिवर्तन किया था उसका ये स्थल साक्षीदार है, जिसमें ये युग युग से गुलामी की जंजीरें तोड़ने का काम किया है, जिसमें ये समाज व्यवस्था में प्रश्न पूछने की, कोई भी चीज़ पे प्रश्नांकित करने की आज़ादी नहीं थी। तो ये जो विचार था उसका परिवर्तन करके जो गौतम बुद्ध का महान धम्म है उसको बाबा साहब ने अंगीकार किया अपने 6 लाख अनुयायियों के साथ एक साथ। इतना बड़ा ऐतिहासिक कार्य ये यहाँ पे दुनिया में बहुत सालों बाद हुआ था, सम्राट अशोक के टाइम के बाद हुआ था। तो इसके लिए ही इसको परिवर्तन धरती भी बोला जाता है। जो प्रश्न करने की, समाज में जो प्रश्न करने की शक्ति छीन ली गई थी वो यहाँ से प्रारंभ हुई है, यहाँ से उसका ये मिलता है। धन्यवाद। आप यहीं के हैं? जी यहीं के हैं। अच्छा बताइए कितने लोग रोज आते हैं यहाँ पे? बाबा साहब की अस्थियाँ रखी हुई यहाँ पे? यहाँ पे ये जो स्तूप है इसमें वहाँ बाबा साहब की अस्थियाँ रखी है। अच्छा। यहाँ लोग दर्शन लेने के लिए यहाँ से आने, यहाँ आने से उनको प्रेरणा मिलती है समाज के पैसा काम करना क्या करना। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं बाबा साहब की अस्थियां यहाँ रखी हुई, ये अस्थियां मेरे पीछे आप देख रहे हैं। और आपको याद दिला दूं कि अंबेडकर नामा में मैंने जो यहाँ जिस समय उन्होंने दीक्षा ली थी अक्टूबर 56 में, उस समय जो भाषण यहाँ पे उन्होंने दिया था वो लंबा भाषण अंबेडकर नामा पर आपको सुना चुका हूँ। देखते रहिए अंबेडकर नामा, शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अंबेडकर नामा। आपसे फिर मिलता हूँ अगले एपिसोड में, सीधे दीक्षा भूमि से अंबेडकर नामा के लिए और आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अंबेडकर नामा। थैंक यू।